में जान लेते हैं। आपको पता है कि हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा है ना, तो उस गुलामी के दौरान हमारे देश में बहुत ही बर्बादी हुई और तब जाकर 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली। तो जब ये हमारा देश ब्रिटिश सत्ता में से मुक्त हुआ तभी उस पर ये पूरी हमारी कविता है। तो कविता का नाम है उठो धरा के अमर सपूत, यानी कि धरा मीन्स पृथ्वी, उठो यानी कि अंदर से अपने आप को जगाओ। उठना मीन्स वेकअप नहीं, सुबह में हम जल्दी उठते हैं उसके बारे में नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको जगाओ, उसको प्रकाशित करो और उसका हम उसका उपयोग करके हम हमारे देश में विकास वृद्धि करें। तो इसके बारे में पूरी पोयम है कि उठो धरा के अमर सपूत। एक कविता का प्रकार है संघ गान, संघ मीन समूह गान, ओके। तो हम उसको सुनते हैं और मैं उसको समझाते भी जाऊंगी अब। नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे।
बात भी नहीं है और ये प्रकाश भी नया है, ज्योति नहीं। तो हमारे अंदर जो उमंग है वो भी नहीं है, क्योंकि हम आज आजाद है। तो हमारे अंदर जो भावना है तरंग, कुछ करने की इच्छा, तो तरंग है, वो राग है, वो भी एक नया है। आस्ति जो है हमारी वो भी नहीं है, और ये सांस है वो भी नहीं, यानी कि जीवन में हमारे लिए उत्साह और स्फूर्ति का है, तो ये सब कुछ हमारे लिए नया है। जागो
और ये जो देश है उसका नया निर्माण करो। Oh,
पुजारी भी है और रक्षक भी है। हमारे देश की रक्षा भी हम कर सकते हैं और उसका डेवलप भी हम कर सकते हैं, यानी कि हर बालक इसमें से जो है वो सारे बालक ये हमारे देश की रक्षा भी करेंगे और उसके विकास में विकास भी करेंगे। तो क्या एक जगत के जो उठो धरा के अमर सपूत एक जगत का पुनः नया निर्माण करो। समझ में आ गई होगी और इसका सरल अर्थ भी आपको मैंने समझाया है, तो उसको आपको लर्न कर लीजिए।